नमस्कार, मैं हूं आशा सिंह और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज हमारे साथ हैं जयपुर से डॉक्टर प्रीति त्यागी और इनसे हम बात करेंगे। जो आज बड़ा फैसला लिया गया है कैबिनेट की तरफ से, मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी किया है डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए। लगातार उन पर देश में हमले हो रहे थे, जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे उसके बाद लगातार जमाती और उनके सपोर्टरों के द्वारा हमले किए जा रहे थे, बदसलूकी की जा रही थी, देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं डॉक्टरों और जनता में भी आक्रोश था, जिसके बाद मेडिकल एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा था गृह मंत्रालय को। उसके बाद उस पर कार्रवाई करते हुए, एक्शन लेते हुए आज ये अध्यादेश जारी किया गया है। तो ये बहुत बड़ा सख्त कानून बनाया गया है उन लोगों के लिए जो डॉक्टरों के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। मैम, जो आज अध्यादेश आया है, मोदी सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए, कितना जरूरी था ये इस समय में जहां लोगों की जान बचाने के लिए इस टाइम पे जो डॉक्टर्स हैं वो भगवान का रूप है साक्षात, यू नो, और ये हमारा धर्म भी है कि डॉक्टर होने के नाते हम लोग यू नो इंसानों का इलाज करें और सभी का, मतलब हमारे लिए कोई मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता है ये बहुत जरूरी था। अभी इन दिनों इतनी ज्यादा परेशानियां आई हैं, जयपुर में तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पे डॉक्टर्स की बहुत, मतलब डॉक्टर्स के साथ इतनी बदसलूकी की गई है कि मतलब उन्होंने इतनी मेहनत से जो मुकाम पाया होता है, डॉक्टर्स ऐसे नहीं बन जाता है इंसान, तो उसके बावजूद उन्होंने इतना इंसल्ट उनको किया और सब कुछ किया। तो ये डॉक्टर्स के लिए जो ये रूल आया है, जो स्ट्रॉन्ग तरीके से जो ये रूल आया है, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके होने से क्या होगा, अब डॉक्टर्स को एक सपोर्ट मिलेगा। और जैसे कि पहले क्या होता था, लोग जैसे कि इंसल्ट करके जमानत वगैरह पे छूट जा रहे थे, बट अभी ऐसा नहीं होगा। अगर स्ट्रिक्ट रूल्स बन गए हैं तो उसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और जैसा कि आप देख पा रही हैं, अभी कोरोना से लड़ने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्टर्स की जरूरत है, इतने डॉक्टर्स हैं भी नहीं जितने डॉक्टर्स पर पेशेंट के ऊपर होने चाहिए। तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा रूल आया है और इसका मैं बहुत, मतलब तहे दिल से, मतलब सरकार का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने डॉक्टर्स, बहुत ही अच्छा और बहुत ही, मतलब सुंदर डिसीजन है सरकार का। जिस तरीके से देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही थी, लगातार उन पर हमला किया जा रहा था, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटना हो, दिल्ली की हो, देश के अलग अलग कोनों से ऐसी घटनाएं आ रही थी, नर्सों के साथ बदसलूकी की जा रही थी। कल ही दिल्ली में ऐसी घटना सामने आई जहां पर नर्सों के साथ बदसलूकी की गई, तो उसके बाद जो डॉक्टरों का मनोबल होता है, उनकी मनोदशा पे क्या असर पड़ता है ऐसी घटनाओं के बाद? मैम देखिए, डॉक्टर्स की मनोदशा बहुत खराब हो जाती है उस समय, क्योंकि डॉक्टर्स के पास हम इतने सारे पेशेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स, यू नो, हमारे लिए तो हमारी फैमिली का वो एक मेंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी डॉक्टर के पास किसी पेशेंट को लेकर गए तो हमारी फैमिली का तो वो एक है, लेकिन डॉक्टर्स के पास दिन भर में ना जाने कितने मरीज ऐसे आते हैं, तो उनकी मनोदशा को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए हर पेशेंट इक्वल होता है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं होता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, या वो कम पैसे वाला है, ज्यादा पैसे वाला है। हमारे लिए तो उसका इलाज करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि भाई हमारी ये ड्यूटी है और हमें निभाना है। तो जैसा कि, मतलब इसमें अभी देखा गया है कोरोना के समय पे क्या हुआ है, डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में मिसकम्युनिकेशन भी हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है, नर्सेस को इतना, मतलब नर्सेस इतना अपना वेल, मतलब वर्कहोलिक होने के बावजूद उनको बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। और आप देखेंगी कि कई बार नर्सेज और डॉक्टर्स ऐसी हालात हो जाते हैं, ऐसे हालात हो जा रहे हैं कि मैम वो अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं। आपको इतने इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि वो लोग घर नहीं जा पाते हैं, उनमें हमारी फैमिली है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते आपको बाहर भी जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि 10-10, 15-15 दिन घर नहीं जा रहे हैं। मेरे सर्कल में सारे लोग, मतलब काफी सारे, जैसे मेरे जो हैं, मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो सारे यही इस टाइम पे इतनी परेशानियां हैं। मेरी एक सीनियर मैम है, वो इतनी परेशान है, बोल रही है प्रीति कि समझ ही नहीं आता। तो डॉक्टर्स का तो इस टाइम पे बहुत बुरा हाल है। अगर ये रूल मतलब हम लोग फॉलो करते हैं और पूरी जनता इसका, मतलब वो करती है आदर, तो सीरियसली ये बहुत अच्छा किया गया है। और इस टाइम पे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसा कि अभी मोदी जी ने वो बीच में कुछ करवाया था, थाली वगैरह बजाने का, ताली बजा के कुछ उनका अभिवादन करना, वो एक
बहुत अच्छा था, लेकिन मैम फिर भी मैं यही कहूंगी कि डॉक्टर की मनोदशा उस समय पे समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर डॉक्टर की मनोदशा को समझकर थोड़ा सा भी सोच लिया जाए कि डॉक्टर भी इंसान ही है, बस ये है कि उनको एक भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो भाई पेशेंट की जान बचा रहे हैं। और अभी इस टाइम पे आप देख पा रही हैं कि कुछ पेशेंट कोरोना के घर ठीक होकर गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि डॉक्टर्स अपना काम कितनी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर को इंसल्ट किया जाए, किसी नर्स के ऊपर थूका जाए, उनसे काफी सारी बदसुलूकी हो रही है जैसा कि रोज आप देख पा रही होंगी, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मतलब हम डॉक्टर्स का अभी इस समय पे, हमारे डॉक्टर्स, पुलिस वाले, ये सब लोग इतना बेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप उनका मनोबल हरकतें करके और बदतमीजियां करके मनोबल कम कीजिए। तो और डॉक्टर्स का देखिए, डॉक्टर्स बताया जाता है कि आपको सिचुएशन में अपना आपा नहीं खोना है, कि अगर अपना आपा खोकर काम करते हैं तो वो उतना अच्छे से इलाज नहीं करते, हमारे लिए कैसी भी सिचुएशन हो सोचते ही नहीं है, हमें तो बस डॉक्टर होने के नाते उनका इलाज ही कर। तो हमारी मनोदशा समझने के लिए तो बहुत ही उसमें तो मैं इतना नहीं कह पाऊंगी, लेकिन बस ये है, ये आग्रह कर सकती हूँ कि जनता उस चीज का रेस्पेक्ट करे जो हम लोग अभी रात दिन एक करके सारा काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर वालों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि आप जा कहाँ रहे हो, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते आप घर आने का तो नाम ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो घर आ ही नहीं पा रहे हैं, सारे डॉक्टर्स की ड्यूटीज लगी हुई हैं। इवन जयपुर में तो SMS हॉस्पिटल है, आपको पता होगा मैम, SMS हॉस्पिटल काफी बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे सारे डॉक्टर्स की ड्यूटीज, मतलब जो कैंसर, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो भी सब कोरोना में लगा दिए गए। जयपुर से जो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या ये काफी है, वहां पर क्या आप उन लोगों से कहेंगे कि वो कैसे प्रिकॉशन लें, कैसे रूल्स को फॉलो करें, और वहां पर जो संख्या है वो संख्या कम हो, क्योंकि लगातार जो देखा जा रहा है कोरोना वायरस से ज्यादातर मरीज ठीक हो जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अदर होती है या फिर उनकी एज ज्यादा होती है, उन्हीं की मृत्यु हो रही है, बाकी जो है वो ठीक होकर चले जा रहे हैं। मैम देखिए, जैसा कि मैं बताऊंगी कि अभी जो 60+ जो उन लोगों का हमें स्पेशल ध्यान रखना होगा। और देखिए, लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है जयपुर में जितना हम देख पा रहे हैं, लेकिन मैम यहाँ पे जो रामगंज एरिया है वो तो वहां पे इतने सारे केस पाए गए हैं, ऐसा नहीं है। मानसरोवर में भी बहुत सारे पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो बस यही है कि अगर हो रहा है तो हमें सबसे ज्यादा तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का है वो देखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम ये जो बीमारी है ना, ये महामारी है, मतलब ऐसी हल्की फुल्की बीमारी नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसमें सीरियस होना पड़ेगा। लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो सबसे मिलना जुलना और बहुत सारी चीजों को हमें, जैसे कि टाइम टू टाइम आपका सैनिटाइज करना है, क्योंकि जयपुर में काफी सारे लोग हैं जो डेली हर दूसरे दिन घरों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। तो उस हिसाब से जब वो लोग इतना मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, और इस बीमारी से लड़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ों में अगर हम अपना समय बर्बाद करेंगे तो कोरोना से लड़ना क्या, मतलब छोटी से छोटी चीज से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि टाइम टू टाइम जो भी WHO ने भी काफी सारी गाइडलाइंस निकाली है, और एक सेतु ऐप करके आया है, वो मैंने भी डाउनलोड किया है और मेरे फैमिली में भी सभी लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, तो उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट मैंने देखे हैं। तो मैं वो भी कहना चाहूंगी कि जब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो एटलीस्ट हमें वो ऐप अपने फोन में, आरोग्य सेतु जो ऐप है, वो हमें डाउनलोड करके रखना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट है कि अगर कोई आसपास दिखता है तो एटलीस्ट वो ब्लिंक करता है, तो और उसको टाइम टू टाइम मतलब अपडेट करते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का हो ही गया, सैनिटाइज टाइम टू टाइम सैनिटाइज करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो जरूरी बात वो ये है कि आपके आसपास जो भी सब्जी वाले हैं और जो आपको लग रहा है कि जो डेली नीड्स हैं आपकी फुलफिल करने के लिए जो भी आ रहे हैं, उनसे थोड़ा मतलब सोच समझ कर। और सबसे अच्छा है तुलसी और लौंग का उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा अपने जल में। अगर आप अपने पानी में लौंग और तुलसी मिलाकर पियेंगे तो आपके गले में मतलब एक नमी बनी रहेगी, और जो गले की नमी है वो कोरोना वायरस को अपोज करती है, तो इससे बहुत ही अच्छा होगा। और कुछ फ्रूट्स हैं जो सिट्रिक एसिड रखते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा खाएं, जैसे संतरा है और कीवी है, कीवी फ्रूट है,
तो ऐसे सारी चीजों को हम अगर टाइम टू टाइम करें तो कोरोना से बचाव ही उपाय है, और इसके अलावा उसका उस लेवल पे हम लोग प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन है तो सब कुछ सही हो सकता है। तो मैं तो बीइंग अ डॉक्टर यही कहना चाहूंगी कि सब मतलब इस चीज का फॉलो करें तो हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। मैम, जो ये अध्यादेश लाया गया है और इसमें जो प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान की जो 5 लाख तक जुर्माना है, 7 साल तक की जो मैक्सिमम सजा है, और ये गैर जमानती जो ऑर्डर है इसमें कि जमानत नहीं होगी अगर ऐसा कोई कुछ करता है, तो आप देखती हैं कि इसमें जो हमले हो रहे हैं उसमें कमी आएगी इसके बाद? मैम देखिए, बिल्कुल इसमें कमी आएगी, होता है जब किसी भी चीज को, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कंसंटेशन फ्री में देती हूँ मान लीजिए, अगर इन केस तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर चीज जमानती और बहुत बड़ी बात है, तो अगर पहले क्या होता था, लोगों को ये लगता था कि अगर हमको गलत, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, तो इसमें बिल्कुल रोक बिल्कुल होगा और लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि जो भी ये जो दंगा फसाद हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें भी मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि एक तो कोरोना बीमारी आ रही है, ऊपर से लोग राजनीति भी इसमें खेल रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इससे बहुत अच्छा होगा और इसमें सच में मतलब रुकावट आएगी इसमें, और काफी कुछ मतलब रुकेगा। बिल्कुल उसी तरीके जिस तरीके से ट्रैफिक रूल को लेकर जब कानून सख्त हुआ उसके बाद कितने कम मामले आने लगे सामने और लोग इसे फॉलो करने लगे थे, तो यहाँ पर भी देखने को मिला था सेम वैसे ही। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ऐसी बातों की जानकारी देने के लिए जो हमने अपने दर्शकों को आपके जरिए पहुंचाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।